हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट बना लेते हो, ट्रस्ट वॉलेट पे अपना अकाउंट बना लेते हो, तो उसमें आपको BUSD टोकन जो है वो ऐड करना होता है। BUSD टोकन ऐड कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपको एक आइकन दिख रहा है कस्टम का, ध्यान से देखिए, राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में ये आपको दिख रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है BUSD। ये आपने सर्च कर लिया, आपको BUSD के नाम से बहुत से दिखेंगे, कंफ्यूज़ नहीं होना है। केवल आपको ये वाला जो है ना BUSD टोकन, और ध्यान से देखिए BEP20, फिर से देखिए BEP20 को ही यहाँ से इनेबल करना है। ये इनेबल करना है, बस आपने इनेबल कर लिया। अब आपने क्या करना है, बैक आ जाना है और फिर ये देखो BUSD आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर जस्ट क्लिक करना है। सेंड, रिसीव, कॉपी एंड मोर का जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। किसी को सेंड करना है तो यहाँ से, रिसीव करना है आपको तो जस्ट रिसीव पे क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्टली कॉपी पे क्लिक करके भी किसी को अपना एड्रेस दे सकते हो। मान लीजिए आपको आपका एड्रेस जो है भेजना है किसी को, तो क्या करोगे, इस जस्ट कॉपी पे क्लिक करोगे एंड ये आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। आप फिर किसी को ये अपना एड्रेस दे सकते हो। थैंक यू सो मच।